Hare Krishna. Sri Shuka Uvacha Tayostad Adbhutam Karma Davagnir Mokshamatmanaha Gopaha Sribhyaha Samachakhu Pralamba Badame Vacha. Shukdev Goswami ne kaha, tab ग्वाल बालों ने वृंदावन की स्त्रियों से दावाग्नि से बचाए जाने और प्रलम्बासुर का वध किए जाने के कृष्ण तथा बलराम के अद्भुत कार्यों का विस्तार से वर्णन किया, ऐसा सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं। यह अध्याय 10वें स्कंद का ये 20 अध्याय संख्या और वृंदावन में वर्षा ऋतु और शरद ऋतु, ये इस अध्याय के शीर्षक, अध्याय का शीर्षक भी है। उसी के अंतर्गत कथा तो सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, उस कथा के अंतर्गत वे सुना रहे हैं कि कैसे ग्वाल बालकों ने, कृष्ण के मित्रों ने, पेंदे मंडली मंडली, आप लोग पेंदे मंडली कहते हो, विठु माझा लेकुर वाला संगे गोपाळांचा मेळा, हमारे या मेरे पांडुरंग को, वैसे उनकी पहचान भी क्या है, संगे गोपाळांचा मेळा, सदैव वे गोपालकों से घिरे रहते हैं। तो सुखदेव गोस्वामी यहाँ कह रहे हैं कि ग्वाल बालकों ने अपने अनुभव सुनाए, कृष्ण के साथ वे सदैव सदैव तो नहीं रहते हैं, लेकिन गोचारण लीला में तो वे साथ में रहते ही हैं। ग्वाल बाल संग धेनु चरायो, फिर लूट लूट दधि माखन खायो, गोचारण लीला के समय और माखन लूटते समय कृष्ण के मित्र तो साथ में रहते ही हैं। तो वह उसे हर भक्त या हर पार्षद, हर परिकर भगवान का, वे जब जब भगवान के साथ रहते हैं उस समय भगवान ने की हुई खेली हुई लीलाओं का वे स्वयं ही अनुभव जो किए होते हैं, उनका जो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस होता है, वे जरूर औरों को जो वहाँ नहीं थे उस लीला में उसको सुनाया करते हैं। तो दिन भर तो गाये ही जाती है, कृष्ण के साथ या कृष्ण गायों के साथ जाते हैं, तो उस समय कई सारी लीलाएं संपन्न होती है। तो यह इस अध्याय के प्रथम श्लोक में ही कहा है, तयो अद्भुतम कर्म, तयो ऐसे कहा है, दो व्यक्तियों का अद्भुत कर्म। वे दो व्यक्ति कौन है? एक है कृष्ण और दूसरे है बलराम, श्री कृष्ण बलराम की। तयोस अद्भुतम कर्म, तो कृष्ण के कर्म तो अद्भुत, वंडरफुल, आश्चर्यजनक, वाव, इसको वाव फैक्टर कहते हैं। भगवान की हर लीला अद्भुत होती है। तो वह जैसे दावाग्नेर मोक्षम आत्मना, तो कृष्ण बलराम ने, वह तो वैसे कृष्ण ने ही कैसे ग्वाल बालकों का और गायों का भी दावाग्नि से कैसे रक्षा की, ये उनका अनुभव जब वे शाम को लौटते हैं अपने घर पर,
और घर वालों को या मम्मी मम्मी कम हियर, डैडी आ जाओ बैठो, या जब भोजन खिला रहे हैं अपने बालकों को ब्रजवासी माता है, तो उस समय कृष्ण के मित्र कहते हैं ना, आज हम भांडिर मन में जब थे तो वह दावाग्नि बन को ही लगी आग, और हम सब काये भी उस अग्नि के मध्य में हम फंसे हुए थे, हम डर गए और पुकारने लगे हेल्प हेल्प कृष्णा कृष्णा। तो वह कृष्ण ने हमें कहा, निमीलयत लोचनानी मा भैष्ट। कृष्ण ने हमें कहा, मित्र बता रहे हैं, घर के सभी सदस्य बैठे हैं उसको सुना रहे हैं या इस प्रकार वो दिन भर जो जो लीलाएं भगवान खेलते हैं उसमें असुर का वध भी होता ही है, परित्राणाय साधुनाम भक्तों की भगवान रक्षा करते हैं, विनाशाय च दुष्कृताम दुष्टों का संहार करते हैं। तो ऐसी लीला अंग्रेजी में कहते टॉक ऑफ द टाउन बन जाती है, सारे नगरों में सारे ग्रामों में ये सारे समाचार, उस दिन की खबरें, आज की ताजी खबर, ये सारे ग्वाल बाल सुनाते हैं और सबको पता चलता है फिर भगवान ने आज क्या क्या किया, और सभी तो उत्कंठित रहते ही है कृष्ण के संबंध में सुनने के लिए। तो वह मित्र बता रहे हैं हम आग के मध्य में फंसे हुए, तो ऐसी ऐसी दधक रही थी आग, कुछ पूछो नहीं, आग तो लग ही गई तो फिर कुछ आंधी तूफान भी शुरू हुई तो उसके साथ अग्नि और दूर दूर तक पहुंच गई। तो फिर हमने रक्षा के लिए पुकारा जब कृष्ण, तो कृष्ण ने कहा, आंखें बंद करो मित्रों, निमीलयत लोचनानी, और साथ ही साथ कृष्ण कहे मां भैष्ट, डरो नहीं मैं जो यहां हूं, या माम मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता में भी जैसे अर्जुन को कृष्ण कहे मा शुचः, डरो नहीं, बस क्या करो मेरी शरण में आ जाओ, मा शुचः डरो नहीं, वैसे ही कृष्ण हमसे कहे उस या आज दिन में जब आग लगी थी तो उन्होंने कहा आंखें बंद करो मित्रों और डरो नहीं। तो जब हमने आंखें बंद की तो पता है कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण उस आग को पी लिए और उसी के साथ शांति फैल हुई गई, अब स्थापित हुई अरे अरे। और फिर हमने ऑफ कोर्स आंखें खोली तो देखते हैं कि यह आग का तो अग्नि का तो नामो निशान नहीं है। तो कृष्ण ने क्या किया, कृष्ण ने आग अग्नि का पान किया। तो ये अद्भुतम तयोस्तद अद्भुतम कर्म से अद्भुत कर्म ये ग्वाल बाल सुनाया करते थे। तो भगवान ने अग्नि का पान किया तो वह भगवान जल गए क्या, ऐसे भगवान की कुछ मूछ भी जली नहीं, ऐसे भगवान की मूछ होती ही नहीं।
मूछ तब आती है, मूछ या दाढ़ी तब होती है जब व्यक्ति थोड़ा उम्र में बढ़ जाता है, 20 साल का फिर सब उसके बाद। लेकिन कृष्ण की उम्र तो 16 वर्षीय, कृष्ण की उम्र 16 वर्षों से अधिक कभी होती ही नहीं। अद्यम पुराण पुरुषम न वयवनम च, हरि हरि। और आग और भगवान को जला सकती है? संभव ही नहीं। वैसे एक तो हुआ, भगवान ने जो अग्नि का पान किया तो आचार्य वृंद अपनी टीकाओं में समझाते हैं कि भगवान ने कहा, ए अग्नि बाहर क्यों गई हो, कम इन, अंदर आ जाओ, कम इन कम इन, तुम्हारा स्थान तो मेरे मुख में है। तो जहां अग्नि को होना चाहिए वहीं पर अग्नि को भगवान अग्नि का पान करके उसको स्थापित किए हैं, और अग्नि भगवान को जला नहीं सकती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। कृष्ण गीता में कहे, अर्जुन को कहे, हे अर्जुन नैनम दहति पावकः, और भी कई सारी बातें कहे हैं, 2-4 बातें कहे हैं, लेकिन एक बात जरूर कहे हैं, न एनम दहति पावकः। पावकः मतलब अग्नि आत्मा को जला नहीं सकती। नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि, कोई भी शस्त्र अस्त्र आत्मा को काट नहीं सकता। तुम तो कह रहे हो कि युद्ध नहीं करूंगा, युद्ध नहीं करूंगा, मैं किसी को काटना या हत्या करना नहीं चाहूंगा, लेकिन भगवान कह रहे, तो वैसे भी तुम कर ही नहीं सकते, क्योंकि ये सब जो तुम्हारे समक्ष उपस्थित है ये सब आत्मा है, आत्मा। जो भी होता है शरीर का ही कुछ बिगाड़ या, लेकिन आत्मा का तो नैनम दहति पावकः, नैनम छिंदन्ति शस्त्राणि न शोषयति मारुतः। और हवा उसको सुखा नहीं सकती, और जल आत्मा को भिगा नहीं सकता। तो यही तत्व हो गए, पंच तत्व जो है, पंच महाभूत है, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश, उसमें से 4 तो बता ही दिए। अग्नि इसको जला नहीं सकती, और जो अस्त्र शस्त्र जो पृथ्वी से अलग अलग धातुओं से बनाए जाते हैं ये आत्मा को काट नहीं सकते। पृथ्वी आप जल आप इसको भिगा नहीं सकता, पृथ्वी आप तेज अग्नि इसको जला नहीं सकती, पृथ्वी आप तेज वायु इसको सुखा नहीं सकता। जैसे हमारे कपड़े सूखते हैं क्या क्या, या गर्मी में तो अग्नि जला भी सकती है लोगों को, हाइड्रेशन कहते हैं, हाइड्रेशन अंदर का जो जल है वो जलने लगता है, उसकी बाफ होती है। कुछ वर्ष पूर्व है आंध्र प्रदेश में इतनी गर्मी चल रही थी, जो किसान खेतों में गए थे खेती करने, वे लौटे ही नहीं, वही जल गए। ऐसा तो नहीं जले जैसे अग्नि जलाती है, किंतु इसमें जो जल है वो जल गया, जल को जला दिया गर्मी ने। तो वह यह जो
ये लीला है, इसका भी तत्वतः जानना है तो जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो व्यक्ति तत्वतः, भगवान के लीला को तत्वतः जानना चाहिए तो यह हम लोग थोड़ा सा तत्वतः जानने की बात भी हो रही है। ओ, उन्होंने भगवान ने अग्नि का पान किया तो वे जले नहीं क्या? उस अग्नि के साथ भगवान का अंतिम संस्कार होना चाहिए था, अंतिम संस्कार, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता प्रभाव या परिणाम, आत्मा पर कोई असर नहीं पड़ता तो फिर परमात्मा पर कैसे असर पड़ सकता है, या भगवान पर जिसका ये ममई वंशो जीव लोके जीव भूत सनातना। आत्मा जो भगवान का अंश है इस पर कोई परिणाम नहीं होता, पृथ्वी आप तेज वायु आकाश का, या नैनम छिंदंती शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, तो फिर भगवान का तो एक बाल भी बांका नहीं होता। तो वह तो मित्र बताया है उस दिन जो लीला हुई थी, और प्रलंब बधमे बचा, तो और दिन की बातें भी हो सकती है। प्रलंबासुरम गए थे भांडीर बन, तो यह वह एक आसुर आ गया, सुन रहे हो, आपको तो नींद आ गई। तो वह तो कृष्णा और किसी को पता नहीं चला कि एक आसुर आया है, क्योंकि उस आसुर ने भी ऐसी चालाकी की कि उस दिन एक ग्वाल बालक गाय चराने नहीं आया था, तो इस आसुर ने नोट किया, ओ वो फलाना कावर्ड बॉय ग्वाल बाल आज नहीं आया है, तो उस आसुर ने वैसा ही रूप धारण किया, वो बालक जैसा बन गया, था तो आसुर लेकिन उसे रूप धारण किया बिल्कुल हूबहू उस बालक जैसा, इसीलिए और उनको पता नहीं चला कि आज कोई आसुर आया, उन्होंने वही हमारा मित्र आया हुआ है, लेकिन कृष्णा समझ गया तो ये आसुर चोर कहेगा। तो भगवान ने उस दिन विशेष खेल खेले, कृष्ण ने जितने भी ग्वाल बाल थे उनकी संख्या बहुत बड़ी होती है, हजारों लाखों ग्वाल बालक कृष्ण के साथ आए चराने जाते हैं, उनका भगवान ने दो दलों में दो मंडल बनाए, दो टीमें बनाई, और फिर कुश्ती का जंगी मैदान बन गया वो पांडीर बन। तो कृष्णा एक दल के नेतृत्व कर रहे थे और बलराम दूसरे दल का मंडल का नेतृत्व कर रहे थे, और शर्तें ये थी कि यह जिस दल का पराभव होगा वे विजेता को अपने कंधे पर उठाएंगे और उनको ढोएंगे, या जो डिफीटेड पार्टी है जिनका पराभव पराजय हुआ उनको बनना होगा गधा या घोड़ा, और दूसरा पक्ष उनके पीठ पर बैठेगा। तो कृष्ण की पार्टी का पराजय हुआ और बलराम की पार्टी जीत गई, और कृष्ण के पार्टी में ही
ये प्रलंबासुर था। तो वैसे कृष्ण भी पराजित हुए थे, तो कृष्ण ने भी अपने एक मित्र को कंधे पर उठा लिया है, सबल को उठा लिया है। और जितने जितने पराजित हुए ग्वाल बाल, जीते हुए विजेता को अपने अपने कंधे पर उठाए हैं। तो प्रलंबासुर का पराजय हुआ था, तो उसने बलराम को, जो जीते थे, जीतेगा भाई जीतेगा, वो जीते थे बलराम, तो उनको अपने कंधे पर उठा लिया और ढोते हुए जा रहे हैं। कृष्ण भी जा रहे हैं और प्रलंबासुर भी जा रहा है, साकी सभी जा ही रहे हैं। तो वह कुछ सीमा तक जाना था, वहाँ से लौटना था, लेकिन ये जो प्रलंबासुर है, इसने क्या किया, उसने यह, वो जाता रहा जाता रहा जाता ही रहा, और जैसे वो आगे बढ़ता रहा तो उसकी जो हाइट है, कद है, ऊंचाई है, वो भी बढ़ती रही। जैसे वामन के त्रिविक्रम बने थे, भगवान थे वामन, वटु वामन, धीरे धीरे जैसे भगवान बने थे त्रिविक्रम, तो ये असुर भी कद में ऊंचा, अधिक अधिक ऊंचा होता गया, इसीलिए इसका नाम भी प्रलंब, प्रलंब लंबा, लाम लचक लंबा, प्रलंबासुर। कैसा असुर? लंबा असुर, प्रलंब, विशेष लंबाई हुई उसके उसके शरीर की। तो वह और फिर जाता ही रहा, और पहले तो चल रहा था, फिर धीरे धीरे उसने हवाई जहाज की तरह उड़ान भरा। उसने कोई सोचा था बलराम को, जहाँ पर वहाँ पर इतने हाइट पर ले जाऊंगा, फिर मैं बलराम का वध करूंगा, बलराम, ऐसा असुर सोचते हैं, भगवान को मारूंगा मैं, भगवान की जान लूंगा मैं, ऐसे असुरों के विचार होते हैं। ऐसा संभव है क्या? वही उसी सिद्धांत के अनुसार भगवान को यदि कोई शस्त्र से मारा नहीं जा सकता, अग्नि से जलाया नहीं जा सकता, हवा कुछ सुखा नहीं सकती, जल भिगा नहीं सकता, तो कैसे संभव है भगवान? और भगवान ऐसे ही भगवान सत चित आनंद भगवान है। सत मतलब शाश्वत, यानी कि भगवान आज है तो फिर शाम तक नहीं रहे, इज फिनिश्ड, मर गए भगवान, या ऐसा होता ही नहीं। भगवान सदा के लिए रहते हैं, सदा के लिए रहते हैं। सृष्टि होती है, स्थिति होती है, बनी रहती है ये सृष्टि, और फिर सृष्टि का प्रलय होता है, किंतु भगवान का प्रलय नहीं होता। भगवान सदैव रहते हैं अपने रूप में, जैसे वे है वैसे सदा के लिए, उनका श्याम वर्ण भी सदा के लिए वैसा ही रहता है। अरे अरे, और जो सौंदर्य है, और बंसी विभूषित करानवनीरदाभात पीताम्बरात, ये भी वैसा ही रहता है। भगवान सदैव मुरली बजाते रहते हैं, सदैव पीताम्बर वस्त्र धारण करते हैं। पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रा, उनका पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद, भगवान का मुखमंडल कैसा होता है, मानो पूर्णिमा का चंद्रमा ऐसे। फिर पूर्णिमा का चंद्रमा तो कुछ भी नहीं है, बहु कोटि चंद्र जिनी वदन उज्ज्वल,
मानो कोटि कोटि चंद्रमा का प्रकाश निस्रित हो रहा है जिनके सर्वांग से, ऐसे ऐसे भगवान। तो इस असुर ने तो सोचा था मैं बलराम को मारूंगा, लेकिन होता क्या है हर वक्त, हिरण्यकश्यप ने वैसा सोचा था, इसलिए अमर बनने का और स्वयं अमर बनने का वरदान भी प्राप्त तो किया ही था, लेकिन क्यों बन गया हिरण्यकश्यप अमर, संभव ही नहीं है। लेकिन ब्रह्मा ने तो दे दिया उनको वरदान, ओके ठीक है अपनी जान बचाने के लिए मैं दिन में नहीं मरूं ऐसा वरदान, ओके तथास्तु, रात्रि में नहीं, ओके तथास्तु, घर के अंदर नहीं तथास्तु, वैसे ही हो घर के बाहर, ओके तथास्तु, दिस वन दैट, काफ़ी लंबी लिस्ट। इसने ये सोच कि लोग कैसे कैसे मरते हैं या कहाँ कहाँ मरते हैं, ये सारा सोच के मैं करुणा से नहीं मरूं, प्लेग से नहीं मरूं, इससे नहीं मरूं, उससे नहीं मरूं, किसी हथियार से नहीं मरूं, लॉन्ग लिस्ट। तो वह ब्रह्मा ने तो अपनी जान छुड़ाने के लिए ओके 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 वैसे वैसा हो वैसा हो वैसा हो तथास्तु तथास्तु। तो ये जब वरदान प्राप्त तो कर लिए, तब उसने सोचा होगा मैंने ठगा लिया, ब्रह्मा को ठगाया या जो भी अथॉरिटी है उनको ठगा लिया, अब मैं हो गया अमर। लेकिन कोई समझता है कि मैंने ठगा लिया ब्रह्मा को या भगवान को, तो उनके लिए भगवान महाठग बन जाते हैं, तुम ठग हो तो मैं महाठग हूं। तो हर बात में भगवान नंबर वन, चोरों में भी चोर अग्रगण्य, नंबर दो हो ही नहीं सकते भगवान, नंबर वन, नंबर वन। तो भगवान प्रकट हुए, जय नरसिम्हा, नरसिंह देव के। एक तो नर और सिंह एक ही रूप में, नर भी है सिंह भी है, ऐसा रूप तो उसने शायद कोई मनुष्य नहीं मुझे मार सकता है, ओके, कोई मुझे पशु नहीं मार सकता, ओके, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा होगा कि ऐसा भी रूप हो सकता है, आधा नर है आधा शेर है सिंह है। कोई हथियार से नहीं मरूं मैं, हिरण्यकश्यप ने कभी नहीं सोचा होगा कि मुझे कोई नाखून से मार सकता है, नाखून तो लिस्ट में नहीं थे, नख वो लिस्ट में नहीं था, घर के अंदर नहीं हो, घर के बाहर नहीं हो, तो जहां प्रवेश होता है देहली कहते हैं उसको, देहली दिल्ली नहीं देहली कहते, तो वहां पर अरी अरी भगवान ने तो उसको अपने गोद में लिटा लिया, जमीन पर भी नहीं आकाश में भी नहीं। और तव कर कमल वरे, तव तव कर कमल वरे नखम अद्भुत श्रृंगम, से कहा है अद्भुत कर्म, तयोस्तद अद्भुत कर्म। तो भगवान बन गए नरसिंह या नर हरि भी कहते हैं, नर हरि, नर नर मतलब मनुष्य, हरि मतलब
सिंह, सिंह को संस्कृत में हरि भी कहते हैं, नरहरि, नरहरि। तो भगवान बलराम प्रलम्बासुर के कंधे पर है और प्रलम्बासुर ने उड़ान भरा हुआ है। तो वैसे बलराम को अच्छा अवसर प्राप्त हुआ, सारे ब्रजमंडल का वहाँ से वहीं से दर्शन कर रहे थे ब्रजभूमि का। कृष्ण का तो कृष्ण को भी अवसर प्राप्त हुआ था, वो बवंडर तृणावर्त, तृणावर्त, तृणावर्त। तो उस समय कृष्ण ने तो सारा वृंदावन देखा था, लेकिन बलराम को ऐसा अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। तो अभी बलराम की बारी आ गई, प्रलम्बासुर ने उठा लिया, तो बलराम इज एंजॉइंग द ब्यूटी ऑफ वृंदावन, वृंदावन का जो सौंदर्य है उसका दर्शन वे किए हैं। और उसी के साथ अगले कुछ ही क्षणों में उन्होंने, बलराम ने प्रलम्बासुर का आकाश में ही वध किया और उसी के साथ थे प्रलम्बासुर धड़ाम करके गिर जाता है। और उस समय सारे देवता वायुमंडल में प्रकट होते हैं और बलराम के ऊपर पुष्प वृष्टि करते हैं। जय हो, जय बलराम, बलराम के। और नृत्य होता है अप्सरा द्वारा, अप्सराओं द्वारा नगाड़े बजते हैं। हर समय जब भगवान किसी असुर का वध करते हैं तो देवता जरूर वहां पहुंच जाते हैं। यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस स्तुन्वंती दिव्य स्तवई, और भगवान का स्तुति गान करते हैं। तो इस प्रकार ये ग्वाल बाल बालक वैसे हर दिन के अपने जो अनुभव कृष्ण लीला के जरूर सुनाया करते थे घर वालों को, पड़ोसियों को। और इस प्रकार कृष्ण की कथा, तब कथामृतम तप्त जीवनम कवि विरीडितम कल्मषापहम। हमारा जो कलमश है या पाप के विचार है, काम की वासना है, इसको भी ये कथामृत जो है उसको नष्ट करता है। कल्मषापहम, कलमश, कलमश पाप बुद्धि, पापाची वासना, नको दाऊ डोला त्याहुनी आंधड़ा बरात समी। वह कभी भी रीडितम श्रीमदाततम, इस प्रकार भगवान की लीला फैलती है। और जो ऐसी कथा लीला को औरों को सुनाते हैं, भुवि गृणन्ति ते भूरिदा जनहा, ऐसे गोपियां कह रहे गोपी गीत में, जो भी कृष्ण की कथा सुनाते हैं औरों को सुनाते हैं, शेयर करते हैं कृष्ण कथा या फिर कृष्ण नाम, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या फिर जारे देखो त्यारे कहो कृष्ण उपदेश करते हैं। और कृष्ण उपदेश क्या है? भगवद गीता, भगवद गीता कृष्ण उपदेश है। हे गौर प्रेमानंदे हरि हरि बो, राधा गोपाल की।